आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जनपद में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को 10 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब तक 1031 मरीज कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। बुधवार को 10 मरीज हुए स्वस्थ। आगरा जनपद में संक्रमित मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं। बुधवार को 10 मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 1031 संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या 1000 से अधिक पहुंच चुकी है। जिले में अब तक 1031 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। जून के महीने में 233 हुए स्वस्थ। जून के महीने में अब तक 233 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि मार्च में 8, अप्रैल में 134 व मई में 788 मरीज स्वस्थ हुए थे। आगरा में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 83.10% आगरा जनपद में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 83.10% है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। आगरा में अब 124 एक्टिव केस। आगरा जनपद में समय 124 एक्टिव केस हैं, जबकि मई के महीने में संख्या 67 थी। जिले में 52 कंटेनमेंट जोन। आगरा जनपद में इस समय 52 कंटेनमेंट जोन है। संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर हर रोज कंटेनमेंट जोन की संख्या में इजाफा होता है। महानगर में 34 कंटेनमेंट जोन। आगरा महानगर में 34 कंटेनमेंट जोन है, जिनमें से 5 पर बफर जोन का कवर है। देहात के 18 गांव कोरोना पीड़ित। देहात में कोरोना वायरस पैर पसार रहा है। देहात के 18 गांव कोरोना पीड़ित है। 1 जुलाई को हुई थी 2 संक्रमितों की मौत। जून के महीने में लगातार संक्रमित मरीजों की मौत हो रही थी। 3 दिन ब्रेक के बाद 30 जून को 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई। वहीं 1 जुलाई को भी 2 कोविड मरीजों की मौत हो गई। अब तक 88 कोरोना पीड़ितों की मौत। जून के महीने में 44 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि अप्रैल में 14, जबकि मई के महीने में 28 संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी। जिले में अब तक 88 मरीजों की मौत हो चुकी है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।